हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया और नया व्लॉग। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सी गाड़ी, कौन सा व्हीकल, किस चीज़ के ऊपर आपको व्लॉग देखना है। आई ट्राई कि हम उसके ऊपर व्लॉग बनाए। सब्सक्राइबर चाहिए भर के, क्योंकि सब्सक्राइबर होने पर ही आपको गाड़ी मिलती है। तो मेरे को सब्सक्राइबर इसलिए चाहिए ताकि गाड़ी जो है, आज के टाइम वीडियो बनाने से बड़ा टास्क आपके पास अच्छे सब्सक्राइबर होना जरूरी है, नहीं तो ब्रांड कहती है कि आपको गाड़ी देनी चाहिए क्या। सो आप लोग मेरा पावर हो। सो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। सो एक टाइम आएगा जब आपको गाड़ी भी मिलेगी, आप ढंग से उसके व्लॉग बनाओगे। आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहे हैं। सो सबसे छोटी चीज़ भी अगर आपको प्रॉब्लम करती है, फॉर एग्जांपल मैं व्लॉग अगला बनाने वाला हूँ कि अगर आप गाड़ी कहीं अटकते हो तो क्या टूल्स लेकर आप गाड़ी को खोल रहे होंगे, हर एक चीज़ के ऊपर व्लॉग बनाएंगे। आज वाला जो हमारा टॉपिक है वो है गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम। सो गाड़ी के अंदर म्यूज़िक सिस्टम कौन सी चीज़ें हैं, सारे के सारे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सो वन, कहाँ कहाँ स्पीकर का प्लेसमेंट है। दूसरा, म्यूज़िक की क्या क्वालिटी है। एंड आई होप कि मैं YouTube से जो गाना बजा रहा हूँ ना, वो कॉपीराइट फ्री हो। मतलब मैं बजा सर्च करके ही हूँ कि कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है, पर फिर भी वो कॉपीराइट फ्री हो। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। सो आओ स्कॉर्पियो इनके म्यूजिक को एंजॉय करते हैं। सो 12 स्पीकर का मधुर संगीत सुनते हैं कि मधुर संगीत में क्या क्या स्पेशल है। तो ये व्लॉग को शुरू करते हैं और सीधे के सीधे गाड़ी के स्पीकर्स के बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों, इस वक्त मैं बैठा हूँ स्कॉर्पियो N Z8 लग्जरी वेरिएंट में, जिसमें 12 स्पीकर्स आ रहे हैं। कहाँ कहाँ उनका प्लेसमेंट है वो भी देखते हैं, पर सबसे पहले सुनते हैं म्यूजिक। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे फ़ोन में हमने सर्च करा बेस्ट म्यूजिक मिक्स नो कॉपीराइट गेमिंग म्यूजिक ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो अब मैं प्ले करता हूँ इसको सबसे पहले। ठीक है, मैंने कर दिया फुल जो यूट्यूब का म्यूजिक है उसको। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ और सीधे के सीधे यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज करता हूँ। अब मैं रखता हूँ इसको जस्ट 10 पर। तो 10 पर रखने पे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्लेसमेंट कहाँ का है स्पीकर्स का। तो सबसे पहले जैसे आप अंदर देखेंगे, यहाँ कोने पे ट्विटर लगा हुआ है। तो काउंट करते हैं, 1 ट्विटर, 1 उधर, तो 2 ट्विटर हो गए। इसी तरह से ऊपर की तरफ 4 स्पीकर लगे हुए इस तरीके के, तो 4 और 6। उसके बाद में जो डोर्स हैं इनमें बड़े स्पीकर लगे हुए हैं। तो देख रहे हो इस जगह के ऊपर यहाँ बड़े स्पीकर हैं। इसी की तरह मैं, क्या किसी का फ़ोन आ रहा है, मैं कॉल काट देता हूँ। सो मैंने कॉल काट दिया। अब मैं म्यूज़िक हल्का सा बढ़ा देता हूँ। अब जैसे आपने म्यूज़िक बढ़ाया, वैसे आप नोटिस करोगे कि इस गाड़ी में पीछे की तरफ यहाँ पर एक और स्पीकर है। सो 4 डोर्स में स्पीकर हो गए, 4 रूफ में हो गए, 8 2 हो गए दोनों तरफ। अब उसके बाद में नेक्स्ट स्पीकर का है, तो नेक्स्ट स्पीकर इसमें यहाँ लगा हुआ है, जिस पे सोनी की यहाँ पे बैजिंग हो रखी है। और वैसे का वैसा जो पीछे की तरफ बूट है, उसके अंदर यहाँ पर एक सबवूफर है इस जगह के ऊपर, दिख रहा है। तो ये तो रही बात। अब आपको म्यूज़िक सुनाते हैं कि अगर मैं 50% लेवल रखता हूँ म्यूज़िक का, तो साउंड कैसा मुझे सुनाई देता है, जिसमें दरवाजे सारे के सारे खुले हुए हैं। तो ये बताओ म्यूज़िक साउंड अच्छा सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ। तो थम्स अप। सो बहुत ही अच्छा सराउंडिंग साउंड क्रिएट हो रहा है गाड़ी के अंदर। अगर मैं सेंटर की बात करूं, जिसमें दरवाजे खुले हैं, तो बच्चों को भी म्यूजिक पसंद आ रहा है। तो अब मैं दरवाजे बंद करता हूं और इधर वाला भी दरवाजा बंद कर देता। अब एक काम और करते हैं, म्यूजिक को थोड़ा कम करते हैं और म्यूजिक से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनको समझते हैं। तो आप जैसे ही सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में मैं गया, उसके बाद में ऑडियो सेटिंग में गया। ऑडियो सेटिंग में सबसे पहले 3D इमर्सिव साउंड आपके पास में है। अगर आप स्टेज करेंगे तो आपको सिर्फ आगे सुनाई देगा, पार्टी में चारों तरफ सुनाई देगा, ब्रीजी के अंदर से ऊपर ऊपर से आएगा। यस, क्या चीज? सनरूफ। ये लो, यहाँ से खोल देते हैं। किड्स लव सनरूफ, है ना? इसको ऐसे करा और ये पीछे की तरफ सनरूफ आपकी खुल गई। अब उसके बाद में जैसे आप साउंड पोजीशन पे गए, इस वक्त हमने सेंटर में कर रखा है। साउंड फील्ड आप सुन सकते हैं, उसको हमने मिड में ले रखा है। अब हम वापस इसका साउंड बढ़ाते हैं और सबसे पहले तो क्या है, इसको स्किप करते हैं। तो अब हमने क्या करा, 50% इस साउंड को हमने यहाँ पे सेट कर दिया।
और फुल वॉल्यूम अगर मैं करता हूँ तो फुल वॉल्यूम में बीट देखो आप। आगे वाला जो साउंड है, मतलब ये मान लो म्यूजिक के मामले में ना किसी को भी टॉप वेरिएंट के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा अपग्रेड कराने की जरूरत नहीं लगी। अब मैं गाइस जा रहा हूँ पीछे वाली सीट के ऊपर और यहाँ से सुनाता हूँ आपको, इसको बंद कर लेते हैं। सो इस वक्त जो लेवल है वो 20 है और यहाँ इसका लेवल है फुल। तो आई होप इसमें जो स्पीकर लगे, माइक्रोफोन लगे हुए हैं, वो साउंड को जज कर पा रहे हो कि वो साउंड कैसा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वॉल्यूम कम कर देता हूँ। सो आई होप व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम व्लॉग बनाते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। 12 स्पीकर का लुफ्त उठाओ, सोनी का म्यूजिक अमेजिंग है, साउंड डैम्पिंग अगर इसमें हो जाए थोड़ी सी और मज़ा आ जाएगा। तो अगले व्लॉग में मिलते हैं और इसके मॉडिफिकेशंस के बारे में भी जानेंगे।